पीएम के आने की सूचना है, इसको लेकर उठा बीजेपी का जो कार्यकर्ता में आज आप क्या कर रहे हैं? देखिए बीजेपी कार्यकर्ता में ही उत्साह नहीं है, सभी में उत्साह है, पूरे अजमेर शहर में उत्साह है। जिस प्रकार पता है कि 31 तारीख को कायड़ विश्राम स्थली में 2 बजे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जन जन के लाडले, जिनको देश विदेश तक उनकी इतनी मतलब उन्हें प्यार करने वाले लोग हैं, तो सभी लोग वहां पर आएंगे। आज हम लोग यहां दौलतबाग मातृशक्ति हमारी महिला मोर्चा महामंत्री और सभी बहनें मेरी आई हैं, तो हम सब ने यहां पर पीले चावल दिए हैं और सभी को निमंत्रण दिया कि आप सभी पधारें। तो सभी बहनों को देखने को मिला कि सभी में एक उत्साह, उन्होंने कहा हम तो वैसे भी आएंगे, तो क्योंकि सब हमारा सबका दायित्व बनता है। आज जब नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, आज गरीबों को लेके चाहे उज्ज्वला को ले लीजिए चाहे सुकन्या को ले लीजिए, इतनी सारी जब योजना उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय से लेके और बड़े बड़े जो योजनाएं बनाई हैं और उनका लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी के लिए सभी लोग आने को तैयार हैं और उत्साहित हैं कि कब 31 तारीख आए, कब हम लोग जाएं। तो मैं आप लोगों को सभी को आप मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं बैनर लगे हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जब 31 तारीख को अजमेर में आएँ तो आप सभी लोग वहाँ पर पधारें, सभी की व्यवस्था है, क्योंकि हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही जिन्होंने हम सबकी चिंता करी, देश की चिंता करी है, तो हमको भी दायित्व बनता है कि हमारे अगर अजमेर में वो आ रहे हैं तो हमें भी अपना प्रेम से उनका जाके स्वागत करना चाहिए और रूबरू उनको सुनने का हमें मौका मिलेगा। भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा शहर जिलाध्यक्ष।